हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 3 इन केमिस्ट्री। अब तक हम रियरिंग और ब्रीडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। रियरिंग क्या होता है? शिप्स को पालना, भेड़ को पालना, उनकी देखभाल करना, उसको तो बोलते हैं रियरिंग। ब्रीडिंग जो हमें शिप से एक डिजायरेबल, मतलब जो हमें चाहिए उस तरीके की वूल प्राप्त करने के लिए, जब हम उनका मेल कराते हैं। ठीक है, तो रियरिंग और ब्रीडिंग करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, द प्रोसेस टू ऑब्टेन ए वूल फ्रॉम द फाइबर्स। जो फ्लीस या कोट ऑफ हेयर, फ्लीस क्या होता है? इट इज़ ए थिक कोट ऑफ फर ऑन द बॉडी ऑफ शिप, शिप के ऊपर होता है। भेड़ के ऊपर जो मोटा कोट होता है ना बालों का, उसको क्या बोलते हैं? फ्लीस बोलते हैं। तो फ्लीस क्या है? फ्लिस में क्या होते हैं? फाइबर होते हैं। उन फाइबर से हम क्या बनाएंगे? यार्न बनाएंगे, और यार्न से वूल बनाते हैं, और फिर वूल से हम वूलन क्लॉथ्स बनाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस कैसे होती है, कैसे हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे आपके जो मार्केट के अंदर वूल मिलती है वो कैसे बनती है, वो सारी प्रोसेस आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग फाइबर्स इन टू वूल। वंस द रेयर शिप्स हैड डेवलप्ड ए थिक कोट ऑफ एयर, इट इज सर्व्ड सेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। इन्होंने बोला है कि जब जो शिप हमने पाले हैं, जब वो अपने ऊपर एक उनके ऊपर एक मोटा कोट बन जाता है बालों का, तो क्या कर देते हैं हम उसको, उसके बालों को सेव ऑफ, मतलब उसको काट देते हैं उसके बालों को, और जिससे हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप बाई ए लॉन्ग प्रोसेस। जो शिप से वूल ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। बाई लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप, उसमें बहुत ही सारे स्टेप्स होते हैं। लेट अस स्टडी इच स्टेप वन बाई वन। अब हम हर एक स्टेप को वन बाई वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइबर को वूल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उन सब में पहला स्टेप आता है सियरिंग। द फ्लिस कोट ऑफ वूल, जो कोट होता है वूल का, उसको बोलते हैं फ्लिस। और शिप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज पील्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी ऑफ शिप। जो कोट होता है फ्लिस का या बालों का, जो फोर होता है, उसको जब हम शिप से उतारते हैं, तो उसको उतारने के साथ जो शिप के ऊपर एक पतली लेयर होती है ना उसकी स्किन की, उसको भी साथ के साथ हम उतार लेते हैं। इट इज़ डन मैनुअली विद द लार्ज रेजर और विद द इलेक्ट्रिकली ड्राइवर सियरिंग मशीन। जो हम उससे फ्लिस या कोट ऑफ हेयर निकालते हैं, किससे? शिप से। कोट ऑफ हेयर जो निकाला जाता है वो या तो रेजर की मदद से निकाला जाता है, या बिजली से चलने वाली जो सियरर सियरर मशीन वो होती है, जो वो बाल काटने के लिए जो यूज़ होती है ना, भेड़ के बाल काटने के लिए जो यूज़ मशीन होती है, उनको बोलते हैं सियरर्स, उनकी मदद से। तो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए शिप इज कॉल्ड सियरिंग। जब हम किसी भी शिप की बॉडी से उसके बालों को हटाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सियरिंग। तो बालों को हटाने की जो प्रोसेस होती है, किसके? शिप की बॉडी के ऊपर से, विद द हेल्प ऑफ रेजर और सियरर्स, इट्स कॉल्ड सियरिंग। सियरिंग डज नॉट हर्ट द शिप बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन ऑफ शिप इज डेड। तो जो सियरिंग होती है, जब हम सियरिंग करते हैं, तो उसमें जो भेड़ होती है उनको कुछ भी दर्द नहीं होता है। दर्द क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो स्किन होती है उनकी, जो त्वचा होती है, जो खाल होती है सबसे ऊपर वाली, वो डेड होती है, मतलब मरी हुई होती है। तो जैसे बालों की जो सेल्स हैं वो डेड है, तो बालों को काटो तो दर्द नहीं होता। उसी तरीके से जो शिप होती है, शिप के ऊपर जो अपर लेयर होती है उसको भी हम उतार लेते हैं, क्योंकि वो डेड होती है। अगर आपसे पूछा जाए वाई शिप डू नॉट फील पेन वेन वी सियर देम, कि जब हम उनके बाल काटते हैं उसके साथ हम स्किन भी काट देते हैं उनकी, वो अपर स्किन, फिर भी उनको दर्द नहीं होता है, तो आप बोलेंगे द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन ऑफ शिप इज डेड। जो अपर मोस्ट लेयर होती है किसकी? शिप की स्किन की, वो डेड होती है, इसलिए उनको दर्द नहीं होता है। शिप आर सियर्ड इन अर्ली समर सो दैट डू नॉट फील द हीट। जो शिप होते हैं उनको
गर्मी लगने से पहले, जैसे अब गर्मी लग जाती है मार्च से, तो मार्च के महीने में उन सभी सिप के क्या कर देते हैं, बालों को काट देते हैं, क्योंकि अगर हम बालों को नहीं काटेंगे तो उनको क्या लगेगा, गर्मी हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है, वूल है, जो बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं आने देंगी, और जिससे भेड़ की डेथ भी हो सकती है। इसलिए गर्मी आने के स्टार्टिंग में ही या गर्मी शुरू होते ही सिपों को क्या किया जाता है, रियर किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वैन सिप आर रियर सियर्ड, तो आप बताएंगे सिप आर सियर्ड एट द बिगनिंग ऑफ समर सो दैट दे डू नॉट फील हीट। ठीक है, वो समर के स्टार्टिंग में ही क्यों सियर किए जाते हैं, ताकि उनमें जो हीट है वो फील ना हो। द हेयर ऑफ सिप ग्रो अगेन बिफोर द अनसेट ऑफ विंटर एंड प्रोटेक्ट दम फ्रॉम द वेदर कोल्ड वेदर। तो जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, उनके बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, और फुल सर्दियों में उनके पूरे बाल हो जाते हैं, जो कि उनको सर्दियों में क्या कर देते हैं, ठंड से बचाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो शीयरिंग कैसे हो रही है। एक आदमी है, उसके पास एक मशीन है, वो उसको काट रहा है, और आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो अपर मोस्ट लेयर है भेड़ की, वो भी उसके साथ जा रही है। अपर मोस्ट लेयर डेड होती है, इसलिए उनको दर्द नहीं होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, बायो क्लिपिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। बायो क्लिपिंग प्रोसेस क्या होती है, एक नई टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो सिप होता है, सिप को एक इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन के अंदर हार्मोन्स होते हैं, तो वो हार्मोन्स इस तरीके से वर्क करते हैं कि गर्मियों के पहले ही उस इंजेक्शन को लेने के बाद जो सिप होते हैं, वो अपना आप ही अपना जो कोट ऑफ हेयर होता है या फ्लिस होता है, उसको रिमूव कर देते हैं विदाउट एनी रेजर और सीयरर, मतलब किसी बिना मशीन के ही जो सिप होते हैं वो अपना जो कोट होता है उसको खुद ही निकाल देते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर इंजेक्टेड विद द हॉर्मोन्स। तो बायो क्लिपिंग प्रोसेस, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज बायो क्लिपिंग, तो आप बताएंगे इन दिस प्रोसेस द फ्लिस ऑफ कोट द फ्लिस ऑफ द सिप इज पिल्ड ऑफ ऑटोमेटिकली आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ हॉर्मोन्स विदाउट एनी रेजर और सीयरर। ठीक है, किसी सीयरर और रेजर के बिना ही हम क्या कर सकते हैं, उसके बॉडी से फ्लिस को हटा सकते हैं बाय इंजेक्टिंग इट विद हॉर्मोन, इसको हॉर्मोन के साथ इंजेक्ट करने के साथ। ठीक है, हॉर्मोन्स का एक इंजेक्शन लेंगे, उसके लगा देंगे, और कुछ समय बाद 2-3 दिन बाद जो कोट होगा, फ्लिस होगा, या जो उसके बाल बाल हैं किसके, भेड़ के, वो अपने आप ही गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसे नहीं कि दो बाल, दो चार आज गिरे, दो चार, 100 आते उतरता है वो पूरी बॉडी पे से। ठीक है, इसके बाद आता है स्कोरिंग। द फ्लिस ऑफ सिप कंटेन्स डर्ट स्वेट वेजिटेबल मैटर ग्रीस ईटीसी। जो भेड़ के बाल होते हैं, आपने देखा होगा कितने गंदे होते हैं, उसके ऊपर मैल लगा हुआ होता है, धूल भरी हुई होती है, ग्रीस लगी हुई होती है, धूल मिट्टी होती है, पसीना होता है उनका, अगर वो कहीं पर वेजिटेबल खाते हैं वो लगा हुआ होता है। द फ्लिस ऑफ सिप इज रफ थोली क्लीन्ड बाय वॉशिंग विद सोप एंड लॉट ऑफ वाटर इन टैंक। जो फ्लिस होता है, फ्लिस मीन्स बाल, किसके, सिप के जो बाल होते हैं उनको धोया जाता है एक बहुत बड़े टैंक में, या तो डिटर्जेंट या सोप की मदद से, और उसमें बहुत सारा पानी की जरूरत पड़ती है। तो द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लिस ऑफ सिप टू रिमूव डर्ट डस्ट स्वेट ग्रीस ऑयल इट इज कॉल्ड स्कोरिंग। तो स्कोरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जिसमें हम भेड़ के बालों पर लगी हुई मिट्टी, धूल, वेजिटेबल ऑयल, ग्रीस, ये सा और स्वेट, सब चीज़ निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। स्कोरिंग जो होती है, पहले टाइम में इंसान करते थे, आप देख सकते हो यहाँ पर कि दो आदमी हैं, वो एक बहुत बड़ा टैंक ले रखा है, उसके अंदर पानी गर्म करके उसके अंदर डाल के उसको लकड़ी से चला रहे हैं। लेकिन आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ चुका है, तो अब जो काम ये लोग करते थे, अब उसको मशीनों के द्वारा किया जाता है। मशीन क्या होती है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती हैं, मतलब वो बिजली से चलती हैं, और आसानी से स्कोरिंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे दिस सिंबल्स, यू दिस सिंबल यू हैव टू ड्रॉ दिस सिंबल इन योर बुक नोटबुक फेयर नोटबुक। ये सिंबल, जैसे आप कोई भी वूल खरीदते हो, उस वूल के ऊपर ये क्या सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब वो वूल क्या है, ओरिजिनल है। अगर उस वूल के ऊपर ये सिंबल नहीं बना हुआ है,
तो इसका क्या मतलब है कि वो वूल लोकल है। इसको IWS इंटरनेशनल वूल सेक्रेटेरिएट ठीक है नॉर्थ यॉर्कशायर में यूके में इस्टेब्लिश हुआ था ठीक है। और ये प्योर वूल की पहचान होती है ठीक है। इसके बाद स्कोरिंग करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग क्या होता है, सॉर्टिंग एक प्रोसेस होती है आफ्टर स्कोरिंग द वूल इज सेपरेटेड और सॉर्टेड आउट इन वेरियस कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्वालिटी। स्कोरिंग करने के बाद जो वूल होती है उसको हम बहुत सारी कैटेगरी में क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, मतलब कलर वाइज उसकी क्वालिटी कैसी है, कोई बारीक है कोई मोटा है। ओनली फ्लीस ऑफ लॉन्ग फाइन क्वालिटी इज सेंट टू द फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोसेस। इन्होंने बोला है कि जो फ्लीस लंबे होते हैं और पतले होते हैं उन्हीं को फैक्ट्री में फर्दर प्रोसेस के लिए भेजा जाता है और जो छोटे वाले होते हैं उनको रोक लिया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द लॉन्ग फाइन क्वालिटी फ्लीस फ्रॉम द रिमेनिंग इन फेयर क्वालिटी और ब्रोकन पीसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो जिस प्रोसेस में हम लॉन्ग फाइन क्वालिटी के फ्लीस को अलग करते हैं लो क्वालिटी के मतलब इनफेयर क्वालिटी और ब्रोकन पीसेस से, दिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम सॉर्टिंग बोलते हैं। यहाँ पर सॉर्टिंग बहुत छोटा दे रखा है, वरना इसमें एक और प्रोसेस आती है सॉर्टर। क्या होता है, जो लोग सॉर्टिंग का काम करते हैं उनको सॉर्टर बोलते हैं और जब ये लोग इसको काम को करते हैं तो वहाँ पर वो एक डिसीज से क्या हो जाते हैं, डिसीज से सफ़र हो जाते हैं, उस डिसीज को बोलते हैं सॉर्टर डिसीज। कॉम्बिंग, सॉर्टिंग के बाद आता है कॉम्बिंग। द फ्लीस इज कॉम्ब टू रिमूव द बर्स, द फ्यूअर बर्स द बेटर इज द वूल। बर्स क्या होते हैं, जो गांठे पड़ जाते हैं, जो बाल होते हैं किस किस शिप के उनके अंदर गांठे पड़ जाती हैं, तो उनको निकालने के लिए उनमें क्या की जाती है, कंघी की जाती है। तो जिस वूल के अंदर सबसे कम बर्स होते हैं या नोट्स होते हैं उसको हम अच्छा वूल मानते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड कॉम्बाइनिंग कॉम्बिंग। और इसमें जो फाइबर्स होते हैं उनको स्ट्रेट किया जाता है, मतलब सीधा किया जाता है, जैसे टेढ़े होते हैं या थोड़े कर्ली टाइप हो गए तो उनको क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है ठीक है। इसके बाद आता है डाइंग। द नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप इज ब्लैक ब्राउन वाइट इन कलर। जो नेचुरल शिप नेचुरल वूल आपको मिलती है शिप से उसमें सिर्फ चार ही कलर होते हैं, ब्लैक ब्राउन वाइट, सॉरी तीन ही कलर होते हैं। तो लेकिन आपको तो अलग अलग कलर में ऊन मिलती है, तो वो कैसे मिलती है कि जो वाइट कलर की वूल होती है उसको हम अलग अलग कलर में डाई कर देते हैं, जो भी कलर की रिक्वायरमेंट होती है उसी कलर में उसको डाई कर देते हैं और उसी को मार्केट के अंदर बेचा जाता है। जो लास्ट प्रोसेस इट इज स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है, द स्ट्रेचन फाइबर आर स्पिन और ट्विस्टेड टूगेदर टू मेक यार्न। जो सीधे फाइबर होते हैं उनको एक साथ मोड़ के क्या किया जाता है, वोव किया जाता है, मतलब उनको बुना जाता है और उससे एक लंबी डोर धागा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड यार्न। द वूल यार्न इज आइदर नेटेड और वोवन। जो यार्न होती है उसको या तो बुना जाता है या कता जाता है। द लॉन्गर फाइबर आर नेटेड इंटू वूल फॉर स्वेटर एंड शॉर्टर टू वूलन क्लोथ्स। जो लॉन्गर फाइबर होते हैं उनको तो स्वेटर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और जो छोटे फाइबर होते हैं उनको वूलन क्लोथ्स बनाने में यूज़ किया जाता है ठीक है। आगे समझ में, स्पिनिंग में क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं उनसे यार्न बनाया जाता है, फिर यार्न से वुलन क्लॉथ्स बनाया जाता है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैकेट बनानी है, स्वेटर बनाना है, सॉक्स बनाना है, जो भी है आप उसके अकॉर्डिंगली उसको बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ द वूल। जो वूल की क्वालिटी होती है वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है थिकनेस, लेंथ, साइन, स्ट्रेंथ एंड फाइननेस ऑफ द फाइबर। कि थिकनेस कितनी है, थिकनेस कम होनी चाहिए, लेंथ अच्छी होनी चाहिए, साइन होना चाहिए उसमें, और स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेंथ का मतलब उसमें अगर हम उसको खींचे तो वो टूटना नहीं चाहिए, और फाइननेस ऑफ द फाइबर। और फाइबर का जो रेशा होता है वो एक एक दिखना चाहिए, फाइन होना चाहिए अच्छा ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। एंड यू हैव टू स्टे एट होम एंड स्टडी वेल। आप लगातार पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कितने दिन तक लॉकडाउन रहने वाला है ठीक है। स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।